अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये कल का थोड़ा सा डोसे का आटा बचा होता, शायद जब उठते ही साथ ही उसको भूख लग गई तो डोसा दो बोला, तो मैं सोची शक्कर डोसा दे दूँ उसको उसके साथ। अभी मैं पास्ता बनाने का तैयारी कर रही हूँ। कुकर में पास्ता, पानी, थोड़ा सा ऑयल डाल के चढ़ा दी, नमक डाल के दो विजल ले ली। इधर कल ही रात में काट के रखी थी मैंने कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन, और इधर अभी कांदा चॉप करके रखी हूँ। तेल रख दी मैंने, गरम हो गया है, ऑनियन डाल दी है और वेजिटेबल्स भी डाल दी, कैप्सिकम, कैरेट, बहुत ऑनियन, मोहब्बत थी आपा को उनसे, गाजर और मोटी मिर्ची और प्याज, और इधर टोमेटो सॉस, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल दी मिक्स करके, और थोड़ा सा नमक डाल दी। अभी ओरिगैनो था, थोड़ा सा डाल दी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला पास्ता, पेने पास्ता बोलते हैं इसको। व्हीट फ्लोर का रहता है, गेहूं के आटे का पास्ता है ये। ये बनके तैयार है। पास्ता जो था मैंने मिला दी हूँ, ऊपर से ओरिगैनो छिड़क रही हूँ। थोड़ा सॉस कम लग रहा था टोमेटो सॉस, तो अभी मैं टोमेटो सॉस ऐड करके मिक्स कर लूँगी। ये खाने के लिए तैयार है, सब कुछ सर्व करके ले ली हूँ। खा रहे, नाश्ता कर रहे सुबह का। अभी दोपहर के लिए मैं दाल चावल बना रही हूँ, सिंपल सा। ये मसूर की दाल है, इसमें कांदा डाल दी, हल्दी डाल दी, लहसुन डाल दी, नमक डाल दी। अभी इसको मैं डायरेक्ट कुकर में रख दूँगी, दोनों एक साथ बन जाएगा लंच हमारा। इसमें चावल भी है, चावल चढ़ा रही हूँ, उसी के बीच में मैंने दाल रख दी। दो विजल होने के बाद बन गया है। दो विजल होने के बाद मैं निकाल रही हूँ इसको। अब डायरेक्ट दाल को बघार लेना है। देखिए दाल चावल बन के फटाफट तैयार हो जाएगा। दाल बघारने के लिए इधर तवा रख दी गरम तेल में, रायजीरा डाल दी, लहसुन कुचल के डाल दी, अब इसमें ऑनियन भी डाल दी मैंने, अब इसमें डालूंगी करी पत्ता। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये दाल मैंने डाल दी फ्राई होने के बाद, ऊपर से हरा धनिया डाल दी, कोथमीर, इसको उबलने देते हैं। फिर ये हमारी दाल बनके तैयार है एकदम फटाफट, अलग से बॉयल करने का झंझट नहीं। तो थोड़ा सा पास्ता इधर रखा हुआ है, शायद के पापा अभी तक उठे नहीं हैं क्योंकि रात में लेट सोते हैं ना वो हिसाब किताब करके। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये हमारा लंच रेडी हो गया है। ये लोग बाहर खेल रहे, शयाज और शैजान, साइकिल निकालो बोल रहा है शयाज। शैजान अभी इधर में पूरा लंच प्रिपेयर हो गया सा, सिंपल सा। अभी मैं पूरा कबाड़ खाना सफाई कर रही हूँ, कपड़े वगैरह सब सेंक रही हूँ मैं। गाँव से आ जाने के बाद तो काम बढ़ जाता है, फिर कपड़े रखो, निकालो, पूरा घर घाम गया है। दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो फटाफट पूरा मैं घड़ी बना के रख दूंगी। ये इधर मस्ती कर रहे दोनों, आधा काम हो गया है, फिर लंच करने बढ़ गए हम लोग। लंच होने के बाद फिर आधा काम करके हटा दूंगी। ये हो गया हमारा पूरा, घड़ी बना के रख दी मैंने, पूरा 1 घंटा गया मुझे पूरा प्रिपेयर करने। ये सब ऊपर से नीचे तक मैंने घड़ी बना के रख दी कपड़े, सिर्फ 2-4 दिन ही अच्छा रहता है, फिर हमारे बच्चे घान कर ही देते। इधर फ्रेंच बिरयानी बोल के मूवी चल रही है बेंगलोर की, देख रहे तो सिलवाने जा रहे। इधर ही फर्स्ट फ्लोर पे है टाइलर बिल्डिंग में ही अपने, तो उनके पास कुछ कपड़े सिलवाने जा रहे। चलो चलते हैं, मेहंदी दिखाना, मेहंदी पूरा वही लगाई ना, आगे नहीं लगाई, आज लगाएगी। अच्छा अच्छा लगाती है। तो आ गए हम लोग देके, ऑलरेडी वो मेरा सिल चुके हैं ना, पहले भी मेरा वो सिल चुके हैं सूट, इसलिए उनको माप देने की जरूरत नहीं है, है उनके पास मेजरमेंट।
ये मेरी प्रेगनेंसी की फ़ोटोज़ हैं, थोड़ा शेयर कर दूँ करके सोची मैंने। ज़्यादा फुल फिल नहीं हो रहे, ये रील्स में बना के डाल दूँगी मैं शॉर्ट्स में, क्योंकि लंबी लंबी फ़ोटोज़ है वो। ये दादा पहाड़ की है। शजन क्या लेके आए? चॉकलेट, डेयरी मिल्क। शजन दे दो, दे दो। सयास क्या लाए? चाइनीज पकौड़ा। और कितने आएंगे? गरम है, बहुत गरम लिया था। कौन बोले? मैंने बोला गरम, गरम पसंद। शजन मुझे दो चॉकलेट। नहीं देना है? दे दो। आ आ हाँ हाँ, चॉकलेट नहीं देना है, दे दो। शजान घोड़े में खेल रहे हो? शजान, हेलो शजान, शजान पकड़ इसको। 9:30 बज रहे रात के। शायद बाथरूम का दरवाजा बंद करो, हमेशा बोलती हूँ बंद किया करो, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। शयास, शयूट, अरबी ट्यूशन, ट्यूशन मिस हो गई। सीधा दादी के उधर भाग गया था 5 बजे, अरबी जाना पड़ेगा बोल के। हाँ फिर क्या? ये साड़ी का ब्लाउज सिलवाना है मुझे। अच्छा ब्लाउज सिलने वाले नहीं मिल रहे मुझे, ढूंढना पड़ेगा टेलर के पास जाके। ये ब्लाउज मेजरमेंट के लिए रखी हूँ उठा के। पापा आ गए, पापा आ गए। क्या लेके आए? जाकिर का सिख पराठा लाए। नवाब कैंसल, मुंबई वालों को मालूम रहेगा सिख पराठा क्या होता है, नवाब का सिख पराठा भी क्या हाँ है। नवाब का उतना अभी फेल हो रहा है, जाकिर का भी अच्छा लगता है। इसमें क्या है? इसमें इसमें क्या? इतना सारा चटनी है जनाब, इतनी सारी चटनी। पुदीना, कांदा, हाँ ये कांदा पुदीना देते, नींबू देते, उसमें पराठे और सीख है। मुंबई में क्या है फेमस करके कोई सब्सक्राइबर ने पूछे थे, मुंबई में सीख पराठा भी बहुत फेमस है। ये है सीख और इसमें है पराठे। मुझू मम्मा नहीं है बाहर, ये देखिए पराठे सेक और इसके साथ ये। चटनी में ऐसा लगा के खाते, इसका तरीका भी थोड़ा अलग है बताती हूँ मैं। फोन करी हूँ आएंगे। ये देखिए चटनी है, ये पराठा है, ये ऐसा लेंगे और एक सीख ले लेंगे ऐसे, और एक कांदा डाल देंगे और पुदीना ले लेंगे, और ये नींबू लेके इसमें निचोड़ते हैं ऐसे, और इसको ऐसा तोड़ते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। ये लगाएंगे ऐसा, इसमें थोड़ा कांदा रखते हैं ऐसा, फिर इसको पुदीना ऐसा रखते हैं। देखिए पुदीना, कबाब, कांदा ऐसा रख के
इसको फोल्ड करके, सबर नहीं हो रहा है छयास को तो, है ना। ये ऐसा डुबा के ऐसा खाते हैं। पापा सुना मुझे ये नहीं चाहिए। ये लिपटे खा ली। तो अभी जा रही हूँ मैं बड़ी मार्केट थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए। अंधेरा है। मुंबई का कुर्ला का बाजार है। रात के 11 बजे देखिए कितना इधर शोर शराबा है। वही गांव में 9 बजते ही क्या आता है, सन्नाटा हो जाता है एकदम से। डर लगता बाहर आने को भी। यहाँ रात के 2 भी बज जाएंगे ना, डर नहीं लगता है। मुंबई में कितनी पब्लिक है आप ही देखिए। रात के अभी 11 बज गए। 11 बजे की पब्लिक है। शहजान छयास को नानी के पास छोड़ के आई हूँ मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेने का है। दिवाली की सजावट। आ गए हम लोग बड़ी मार्केट, इसको चाइना मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मच्छी, चिकन हर चीज़ मिलती है। कुर्ला में ही अपने घर से एक 5 मिनट का रास्ता है बस। इधर टमाटर वगैरह है, ले लूँगी फटाफट। और इधर काकड़ी, बीन्स वगैरह है, ये भी लेना है। बैंगन खराब है ना। बीटरूट कैसा दिए कर। रेसिपीज के छोटे मोटे रील्स वगैरह ना मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करते रहती हूँ, और हमारे भी कुछ रील्स डालते रहती हूँ मैं। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं समीना शकील ब्लॉग्स और समीना एंटरटेनमेंट 786 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आप उसमें चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ये लिए बहुत सारे वेजिटेबल्स, कोथमीर भी लेना है यार। हमारा तो 11 ही लिमिट है। कोथमीर नहीं है।
एक किलो दे दे, वो आलू बुखारा है ना। आधा किलो बाबा पच्चीस का आधा। हाँ आलू कैसा है भाई? किलो बीस। आधा किलो कितना? किलो ले लो मैडम, पचास। कितना है देखो? अभी हम लोग जो भी वेजिटेबल्स था सब ले लिए, निकल गए अभी वहाँ से। 15-10 मिनट लगाए, बस 10 मिनट में सब कुछ ले ली मैंने फटाफट। तो इधर कुछ कपड़े दिख रहे थे, लू या नहीं देख रही हूँ मैं, उतने खास है ही नहीं डिज़ाइन, तो मैं निकल रही अभी इधर से। दिवाली है ना, उस हिसाब से इधर डेकोरेशन वगैरह किए हुए हैं, हर जगह लाइटिंग वगैरह लगे हुए हैं। रात के 11 बजे भी देखिए कितना इधर लोग है इधर। वही शिमोगा में थोड़ा शांति सी हो जाती है 9-10 बजे। मुंबई का यही है कि रात भर लोग जागते ही रहते हैं। फटाफट यहाँ से निकल के सीधा घर पे जाएंगे। ये पूरा माचिस कटरी का एरिया है कुर्ला का। कुर्ला वाले कोई है तो कमेंट में बताइए कि हम कुर्ला वाले हैं सब्सक्राइबर्स मेरे। ये सब माचिस फैक्ट्री का एरिया है, यहाँ नई नई बिल्डिंग्स बन रही है अभी। ये सब, ये गोल बिल्डिंग में आ गए हम लोग। यहाँ खेला लोग नॉर्थ साइड खाली सुनो सुनो बोलता है। सब बाजार का सामान लेके आ गई हूँ, सब काम हो गया। अभी सिर्फ बिस्तर ला के सोना है। फ्रिज में शायद रखते जा रहा है चीजें। ट्रे खींच, ट्रे के सामने की चीजें पीछे कर और रख दे। सीढ़ी चढ़ के आते ना थकान सी हो जाती है अब तो, थोड़ा कुछ शॉपिंग करते नहीं कि थक जाते। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय। सुबह का खिचड़ी नहीं, अभी सोची ही नहीं मैं।